नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ थ्री सेंटीमीटर वैन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सलेशन सवाल ये है कि हमें बताना उसका टाइम पीरियड क्या होगा हमारे ऑप्शन है अंडर रूट फाइव बाय टू पाए या फिर फोर बाय रूट फाइव या फिर टू पाए बायट थ्री या फिर अंडर रूट फाइव बाय पाए बहुत ही आसान सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हैं तो फटाफट 30 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे अपने को ये पता है वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसको हम लिखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रिलेशन हम वेलोसिटी ओमेगा एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के बीच यहाँ लिखते हैं अपने को एक रिलेशन और पता है कि जिसको हम कहते हैं कि आपका जो एक्सलेशन है आ, उसको, हम उसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स जो कि एक्स आपकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस है इस सवाल में अपने को दिया हुआ है कि जब उसकी लोकेशन आपकी तीन सेंटीमीटर एम्पलीट्यूट है लोकेशन आपकी दो सेंटीमीटर है तो ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स उसकी वैल्यू आ गई ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा एक्स को अगर हम नीचे ले जाएं तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स ही आपकी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अपने को ए तीन दिया हुआ है एक्स दो दिया हुआ है वैल्यू रख के अपना ओमेगा की वैल्यू uh, रख के ओमेगा आ जाएगा ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू थ्री का स्क्वायर होएगा नाइन नाइन में से हम टू uh, का स्क्वायर फोर माइनस करेंगे तो ये आ गया रूट फाइव बाई टू सो ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट फाइव बाई टू टाइम पीरियड अपने को बताना है टाइम पीरियड होता है टू पाई बाय ओमेगा यानी कि हो गया टू पाई डिवाइडेड बाय रूट फाइव डिवाइड बाय टू यानी कि हो गया फोर पाए डिवाइडिड बाय रूट फाइव ये अपने टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी फोर पाए डिवाइड बाय रूट फाइव वुड बी द राइट आंसर